सभी किसान भाइयों और दर्शक भाई को हमारा नमस्कार। विकास लाइव स्टॉक में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप इन्हें पहले भी देख चुके होंगे, आज हम आए हैं अपना किसान फार्मिंग पे। इनका बहुत ही अच्छा फार्म है, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इनका पिक फार्म भी है, पोल्ट्री फार्म भी है, और इनका गोट फार्म भी और फिश फार्म भी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इनका सारा फार्म देखेंगे, सारी नॉलेज लेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसे कर रखा है। तो मैं बताना चाहूंगा, हमारे हरविंदर जी हैं। हरविंदर जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपका फार्म जो है किस लोकेशन में पड़ता है। हमारा पड़ता है ये अमरोहा के पास पड़ता है, गांव नया गांव पोस्ट नकवा सादात, जिला अमरोहा, यूपी, अमरोहा के अंदर आपका है जी। तो सर, जैसे कि आपने इतना कुछ इंटरग्रेटेड मिक्स फार्म किया हुआ है, तो आपको कहां से इस चीज का विचार आया था? मैंने एक वीडियो देखी थी आमिर खान की, उसमें दिखाया गया था सत्यमेव जयते में कि हम जो है एक दूसरे के वेस्ट से जो है हम कैसे उसे यूज करना है और हमें प्रॉफिट करना है, वही मेरे माइंड में चल रहा था। तो मेरा सारे कल्चर लगभग ऐसे ही है, जैसे बकरी का हो गया, उसे भी हम ग्रेजिंग पर रखते हैं, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करते। देसी मुर्गी हमारी, वो भी हमारी फ्री रेंज की है। तो जैसे कि हम जो है, आइए थोड़ा सा इनका फार्म देखते हैं पिगरी का। ये आपकी कितने बाय कितने की यूनिट होगी सर? इसमें हमारे लगभग 80-85 आ सकते हैं, लेकिन इस समय जो है 60 है। आइए थोड़ा सा जो है इनका फार्म देखते हैं। ये मेरे यहाँ पे आपकी फीमेल है जी, लेकिन ये हमारा पिगरी वाला जो सेटअप है, इसे हम टोटल फीड पे चला रहे हैं, रोयन ग्रीन का फीड खिलाते हैं। बहुत अच्छा फीड है ये और अच्छा ग्रोथ आ रही है इससे। लेकिन हमारा एक फायदा हो रहा है, इसे हम फीड खिलाते हैं जिसका वेस्ट है, उससे हमारी मछली तैयार होती है, तो इससे भी हमारा फायदा है। मतलब आप जो है, जैसे कि आप अपने फार्म पे जो है टोटली मेरे ख्याल से रखे हुए हैं बैग्स, आप देख सकते हैं इधर, तो मुर्गियां भी शायद यही फीड यूज कर रही हैं, ये तो लगता है आपकी। हाँ, ये भी खाती हैं। तो ये तो बहुत तगड़ी तगड़ी हो रखी हैं। एक तो ये मेरे ख्याल से बाहर घूमती रहती होंगी। हाँ जी, बाहर घूमती हैं, प्लस जो है साथ में यही पे ही जो है चुग लेती हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो आपका नुकसान हो रहा है? ना ना, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी तो अच्छा गया है, अच्छे रेट में जाती है, ऐसा नहीं है कि सस्ते में जा रही है। जी जी जी। तो आइए इनका फार्म थोड़ा और देखते हैं अंदर। तो इधर जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ग्रोवर एज के और फिनिशर एज के बच्चे हैं, और आगे जो है इन्होंने काफी अच्छा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सस्ते में इन्होंने जो अपने फार्म का शेड भी रखा हुआ है। तो इधर जो इनके पिगलेट्स है, काफी अच्छी क्वालिटी के जो है इनके पिगलेट्स है ये। वो शेड की हमारी ये खासियत है, ये नेचुरल है। एक तो देखो, जो भी कुछ है इसमें किसान के द्वारा ये है, उसका ही बना हुआ है, उसका ही लगा हुआ है, हम किसी दूसरे का वो नहीं कर रहे हैं। और ये जितनी गर्मी होगी तो उसमें जो है ठंडा रहेगा, और सर्दी होगी उसमें ये गर्म रहेगा। तो जैसे कि जो है आप विजुअल में देख रहे होंगे कि इन्होंने पोल्ट्री भी करी हुई है, और यहाँ पे जो है चिकन्स भी रखी हुई है, फिश भी जो है सारा इन्हीं के वेस्टेज से चल रहा है। ना, फिश को अलग से भी डालते हैं, इतना है कि इसलिए हम इसे बढ़ा रहे हैं। इससे जो हमारा 3 बीघे की जो है फीस है, हम पाल सकते हैं, लेकिन हमारा फिश का काम बड़ा है और उसे हम अगले साल और बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसका जो है, इसका पिकरी का हम ये पूरा जो फार्म है पीछे तक, हम आप देखेंगे वीडियो में देखेंगे, उसे हम तैयारी चल रही है हमारी। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इन्होंने एक ही जगह से चार चार काम किए हुए हैं, और जहां से ये पिक फार्मिंग करने लग रहे हैं उसी के वेस्टेज प्लस अलग से भी ये फीड डाल रहे हैं, उससे ये फिश फार्मिंग भी करने लग रहे हैं। तो जैसे कि आप जो है रॉयल ग्रीन फीड यूज कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके का यहाँ पे अनुभव मिलने लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। जैसा बताया गया था कि इतना वेट बढ़ता है महीने में, 15-18 किलो वेट बढ़ता है, वो बढ़ रहा है। और अगर जो है किसी भी हमारे किसान भाई को अमरोहा के अंदर फीड चाहिए, तो आप प्रोवाइड करा देंगे? हाँ जी। आपका जैसे कि आप विजुअल में देख रहे होंगे, इनका नंबर भी शो हो रहा होगा। अगर आपको जो है अमरोहा के अंदर फीड चाहिए हो, तो ये इनका गोडाउन है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको आराम से जो है यहाँ पे फीड मिल जाएगी रॉयल ग्रीन की, और आप यहाँ से इनसे संपर्क करके अपने पिगरी के लिए रॉयल ग्रीन की फीड लेके जा सकते हैं, और यहाँ से आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी, फिशरी और गोट्री और आपके चिकन की नॉलेज भी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। मछली का भी आप कोई सा भी फीड ले सकते हैं, छोटा भी बड़ा भी, और उसकी दवाइयाँ जानकारी, और अपना चैनल भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई जी डाल देंगे लिंक उसका, अपना किसान फार्म का। आप अगर पहली बार आए तो उस पर भी आप देखना, उस पर भी छोटे छोटे, क्योंकि ऐसा होता है आप जैसे आए मिले हैं, अच्छा लगा, लेकिन इतनी सारी बातें हम वीडियो में नहीं बता सकते, बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाती है। हाँ, तो मैं भी दो तीन मिनट की वीडियो डालता रहता हूँ, उसमें भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धीरे आपने विजुअल्स में देख ही लिया होगा, मैं भी जो है इतना ज्यादा नहीं सारी डिटेल बना सकता, आप थक जाएंगे देखते देखते। तो यहीं पे ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।